क्या आपको भी शारीरिक कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है? क्या आपका भी शादीशुदा जीवन टूटने की कगार पर है? क्या आपको भी सेक्स समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले बात आप ये जान लीजिए कि हमारे धरती पर जितने भी पेड़ पौधे जंगली घासें होती हैं, ये आयुर्वेदिक बहुत ज़्यादा महत्व होता है इनका, और ये तरह तरह की बीमारियों को जड़ से गायब करती हैं। दोस्तों, जो हमारे दादा बाबा थे, जो दोस्तों आज के 100 साल पहले, उनको हर तरह की जड़ी बूटियों के बारे में मालूम था और उनका शरीर जल्दी बूढ़ा होने नहीं आता था। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है कि 60 साल का इंसान एकदम बूढ़ा लगने लगता है। दोस्तों, कारण यह है कि वो घर का पका हुआ भोजन ना करके दोस्तों पिज्ज़ा बर्गर पर ज़्यादा विश्वास करता है और शरीर समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी घरेलू ज्ञान चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बताने जा रहा हूं और उसका इलाज बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो 100 में से लगभग 90% लोग इस समस्या से परेशान हैं और उनका शादीशुदा जीवन टूटने के कगार पर है और रोज़ घर की लड़ाई झगड़े से वो परेशान हो गए हैं। दोस्तों, शारीरिक कमजोरी, दोस्तों नपुंसकता, दोस्तों आपका सेक्स की समस्याओं से दूर भागना, दोस्तों ये बहुत ही विकट समस्या है और आप शायद इस जंजाल में फंस चुके होंगे। दोस्तों, इसका जो कारण होता है, आप पौष्टिक भोजन ना लेकर के दोस्तों आप बाहर के खाने में ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं और आपको तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं। दोस्तों, आपकी यौन समस्याएं एकदम कम, यौन बलता एकदम कमज़ोर हो चुकी है। आप कोशिश तो करते हैं लेकिन दोस्तों आपसे हो नहीं पाता है। तो दोस्तों, आज मैं इस बीमारी का बहुत ही सटीक इलाज बताने जा रहा हूं। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है, अगर आपको भी शीघ्र पतन की दिक्कत होती है, अगर आपको भी नपुंसकता हो रही है दोस्तों, आपका बिल्कुल मन नहीं करता है, आप बीबी के पास जाने से डरते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा, आज आपका लाइफ चेंज कर देगा ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे धरती पर जो पेड़ पौधे जंगली घासें जड़ी बूटियां मौजूद हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं, लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है और हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा, अगर आपको शीघ्र पतन की दिक्कत है, अगर आपको नाइट फॉल हो जा रहा है, अगर आपको शारीरिक कमजोरी की दिक्कत है, अगर आप सेक्सुअल लाइफ एकदम बर्बाद हो चुकी है, तो आप तरह तरह की टैबलेट लेते होंगे दोस्तों, लेकिन आपको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा। तो दोस्तों, आज मेरे बताए अनुसार आप इस चीज़ का इस्तेमाल करिएगा दोस्तों, मात्र 10 से 15 दिन इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा दोस्तों, आपका शादीशुदा जीवन बच जाएगा और आप तरह तरह के दवाएँ जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भूल जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप एक फल नुमा देख रहे होंगे दोस्तों, इसे गोखरू बोला जाता है और गोखरू के बारे में शायद आपको पता भी होगा दोस्तों, ये बहुत ही फायदेमंद होता है और ख़ास करके ये पुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और ये स्पर्म काउंट को बढ़ाता है दोस्तों, ये वीर्य को गाढ़ा करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है और ये आपके शादीशुदा समस्या को जड़ से गायब कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो मेरे बताए अनुसार आप इसका इस्तेमाल करिएगा दोस्तों। आपको चाहिए गोखरू, दोस्तों आप इस गोखरू के रस को निकाल लीजिए और इसी के रस में दोस्तों आप जो चना होता है, चना आप जानते होंगे, चना को 24 घंटे के लिए इसी के रस में भिगा दीजिए। जब चना दोस्तों इसके रस को पूरा सोख जाए तो आप चने को निकाल कर दोस्तों सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप उसका पाउडर बना लीजिए दोस्तों। पाउडर बनाने के बाद दोस्तों आप एक चम्मच पाउडर सुबह खाली पेट, एक चम्मच शहद मिलाकर दूध में, दोस्तों आपको लेना एक गिलास दूध और उसमें मिलाना एक चम्मच पाउडर और एक चम्मच शहद। दोस्तों आप रेगुलर सुबह शाम इसका इस्तेमाल करिए 10 से 12 दिन दोस्तों, आप देखेंगे कि आपकी जो सेक्स समस्याएँ थी दोस्तों, जो आप एकदम निराश हो चुके थे दोस्तों, वो जड़ से गायब हो जाएंगे। ये बहुत ही कारगर दवा होती है दोस्तों, इसे गोखरू बोला जाता है और ये जान लीजिए हीरे से कम कीमती नहीं होता है, लेकिन ये हमारे आसपास होने के बाद भी हमको पता नहीं रहता है और हम तरह तरह की एलोपैथ दवाओं का इस्तेमाल करते हैं और हमें उससे लाभ कुछ नहीं मिल पाता, बल्कि नुकसान उससे ज़्यादा हो जाता है।
तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो मेरे बताए अनुसार आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा दोस्तों आप गोखरू को ले जाकर सुखा लीजिए। सुखाने के बाद दोस्तों आप गोखरू का चूर्ण बना सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक चम्मच मिश्री और एक चम्मच शहद के साथ, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है, तो इसका इस्तेमाल एक बार ज़रूर करिए। दोस्तों आपकी शादीशुदा लाइफ बच जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हो सके तो दोस्तों अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। मेरी यही आशा है आप लोग एक बार आयुर्वेद को अपनाएं और अपना लाइफ चेंज करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।